मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, तो कॉन्टेम्परेनियस यानी साइमल्टेनियसली, जो ट्रांजेक्शन कॉन्करेंट ऑडिट ट्रांजेक्शन के अकरेंस के साथ ही या फिर ट्रांजेक्शन के जो अकरेंस होता है उसके जितना पॉसिबल हो सके उतना नियर ही कैरी आउट किया जाता है। इसका मकसद होता है कि जो ट्रांजेक्शन और जो एग्जामिनेशन है उसके इंटरवल को शॉर्टन कर देना, और जो कॉन्करेंट ऑडिट है ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा कैरी आउट किया जाता है जो कि ट्रांजेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें कॉन्करेंट ऑडिट में जो एम्फेसिस है वो दिया जाता है सब्सटेंटिव चेकिंग पे, जो की एरियाज है उनके सब्सटेंटिव चेकिंग पे, ना कि सभी का टेस्ट चेकिंग। इसमें टेस्ट चेकिंग होता नहीं है, इसमें सिर्फ की एरियाज का सब्सटेंटिव चेकिंग होता है, मतलब कि 100% इसमें चेकिंग होता है सिर्फ की एरियाज का। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर इफेक्टिव अकाउंटिंग एंड बेस फॉर इंटरनल ऑडिट। देखो ये क्या होता है ना, ये साउंड इंटरनल अकाउंटिंग और इफेक्टिव कंट्रोल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंटीग्रल होता है कॉन्करेंट ऑडिट। और कॉन्करेंट ऑडिट विजिलेंट इंटरनल ऑडिट का बेस होता है, जिससे हम सीरियस एरर्स और फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन को कम कर सकते हैं। नॉट टू जज डिसीजंस बट टू चेक पॉलिसी कंप्लायंस। कॉन्करेंट ऑडिट ये नहीं चेक करता है कि जो डिसीजन लिया गया था वो सही लिया गया था या नहीं, बस ये चेक करता है कि जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर्स है, उसके साथ पूरा कंप्लायंस किया गया था कि नहीं किया गया था। हेल्पफुल फॉर इंचार्ज इन लार्ज ब्रांचेज। इन वेरी लार्ज ब्रांचेज विच हैव डिफरेंट डिविजन्स डीलिंग विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कॉन्करेंट ऑडिट इज अ मीन्स टू द इंचार्ज ऑफ द ब्रांच टू एंश्योर दैट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस डेट द डिफरेंट डिविजन्स फंक्शंस विद इन लेड डाउन पैरामीटर्स एंड प्रोसीजर्स। तो जहाँ पे भी बड़े बड़े ब्रांच होते हैं, जो लार्ज ब्रांच होते हैं, तो वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है वहाँ के इंचार्ज के लिए। तो ये जो कॉन्करेंट ऑडिट है वहाँ के इंचार्ज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिवीजन है जो फंक्शन कर रहे हैं वो विद इन पैरामीटर प्रोसीजर के अंदर आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक लार्ज ब्रांच जो होता है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो और उन एक्टिविटीज़ को हम एक डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न में कैटेगराइज कर देते हैं। और फिर इंटरनल ऑडिट ये चेक करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिवीजन्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं सेपरेटली, क्या वो विद इन द लेड डाउन पैरामीटर्स और प्रोसीजर्स ही फंक्शन कर रहे हैं ना।